ओके सो हमने पिछली बार सिस्टम डिज़ाइन के बारे में बात करी थी। सिस्टम डिज़ाइन काफ़ी बोला था, तो सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर ही चलते हैं। इसके ऊपर हल्का सा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा यार डिज़ाइन के ऊपर। बेसिकली क्या है, सिस्टम डिज़ाइन हमारे दो चीज़ के अंदर डिवाइडेड होती है। एक होता है हमारा लो लेवल डिज़ाइन, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम। ठीक है, सबसे पहले यार सिस्टम डिज़ाइन हमारी दो चीज़ के तरीके हम लिख सकते हैं सिस्टम डिज़ाइन को। चलो हाँ, लो लेवल डिज़ाइन और मेरा हाई लेवल डिज़ाइन। ये मोस्टली यार आपको आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस दिख रहे होंगे, लो लेवल भी और अरे यार लिख लो हाई लेवल भी। ठीक है, बेसिकली होता क्या है ये बात करेंगे, उसके बाद तो क्या आपको सीखना चाहिए, क्योंकि मोस्टली आपने वीडियो वगैरह में देखा होगा कि ज़्यादा फ्रेशर आपको लो लेवल डिज़ाइन आना चाहिए। हाई लेवल की जरूरत नहीं पड़ती, LLD आपको आना चाहिए, हाई लेवल की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आपको नहीं भी आता है तो अगर आपको इसकी जरूरत है भी या नहीं है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यार इसको हमें सीखना ही क्यों है, सबसे पहले तो क्या ये हमारे एक्चुअल में इंटरव्यू में कितना काम वाम भी आएंगे। इंटरव्यू की चलो बात छोड़ो, सबसे पहले यार सिस्टम डिज़ाइन अगर मैं बात करूँ ना, इंपॉर्टेंट क्यों होता है सिस्टम डिज़ाइन, आपको बेसिकली आपके प्रोजेक्ट के बारे में एक टेस्ट देता है। आप जब भी कोई डेवलपमेंट कर रहे होते हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के, अगर आप उसको बनाने जाएंगे, आप अच्छे से बनाने जाएंगे ना, तो आपको ना कई सारे डाउट्स आएंगे उसके अंदर बीच बीच में कि यार इसके अंदर अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर इसमें 100,000 यूज़र आ गए तो क्या होगा। तो उन सब चीज़ों के लिए क्या होता है ना, या फिर एकदम से कई सारे लोगों ने एक साथ चीज़ अपलोड कर दी। अगर मैं एक एग्जांपल दूँ कि अगर लेट से आपने इंस्टाग्राम का क्लोन बना दिया, इंस्टाग्राम के क्लोन के अंदर आपने एक DB वगैरह कुछ क्रिएट किया होगा, या फिर कुछ तरीके से S3 बकेट वगैरह यूज़ करी होगी, एंड उसके अंदर आपने क्या किया होगा, सारा डेटा आप बेसिकली यूज़र जब भी कुछ पोस्ट करता होगा तो डालता होगा उसके अंदर, आप बेसिकली किसी तरीके से वो पोस्ट वाला डेटा उसमें डालते होंगे एंड सारा डेटा आप देख रहे होते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि हर एक चीज़ की लिमिट होती है, हर एक चीज़ के ऑपरेशन की भी एक कॉस्ट पड़ती है कि कितनी आएंगी। अगर किसी ने आके बल्क में क्या किया, डेटा अपलोड कर दिया, बल्क में आया उसने डेटा अपलोड कर दिया किसी भी तरीके से, तो क्या होगा, आपका तो एकदम से प्राइस बढ़ जाएगा, पूरा का पूरा सारा डेटा आपके एकदम से प्राइस बढ़ जाएगा, आपका पूरा का पूरा स्टोरेज फुल हो जाएगा और ऐप आपका सीधा डाउन हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहता। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं पहले से ही चीज़ों को सिस्टम डिज़ाइन में रख के देखता हूँ कि यार कितनी मेरी कैपेबिलिटी है, कितना मेरा काम मैं कर सकता हूँ, एंड उसके हिसाब से हम चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, उसके हिसाब से हम चीज़ों को सोच रहे होते हैं कि यार किस तरीके से हम चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं, तो ताकि एडिन जाकर मेरी कोई भी चीज़ फट ना रही हो, एडिन जाकर कोई भी चीज़ मेरी फट ना रही हो। ये चीज़ को देखने के लिए हम पहले से चीज़ों को लाइक इस्तेमाल करके रखते हैं। आगे अगर मैं बात करूँ सिस्टम डिज़ाइन की, से थोड़ा नीचे लेकर चलता है सिस्टम डिज़ाइन, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूँ कि यार लो लेवल क्या होता है, हाई लेवल क्या होता है, तो देखो लो लेवल डिज़ाइन के अंदर बेसिकली हम स्कीमा वगैरह काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन कर रहे होते हैं, स्कीमा अलग अलग तरीके क्या होते हैं। तो अगर आपने कभी भी कोई भी तरीके की डेवलपमेंट अगर करी है, MongoDB वगैरह कभी भी यूज़ किया है, फिर सिंपल सी यार MySQL वगैरह भी यूज़ किया हुआ है, उसमें क्या होता है हम अलग अलग टेबल बना रहे होते हैं यार। बेसिकली टेबल होती है, जैसे अगर मैं बात करूँ एक नॉर्मल सी कोई भी टेबल के बारे में, तो लेट से एक ई कॉमर्स की बात कर लेते हैं, तो ई कॉमर्स के अंदर क्या होगा यार, आपकी एक आईडी होगी, आपका एक पर्टिकुलर अलग अलग चीज़ें होंगी, आपकी फ़ोन नंबर हो सकता है, आपका एड्रेस हो सकता है, और उसके अंदर आपका ये तो बेसिकली यूज़र का प्रोफाइल का हो गया, एक एड्रेस वगैरह हो सकता है, नॉर्मल जो चीज़ें होती है आपकी वो सब हो सकती है, आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वगैरह हो सकती है इसमें। एंड क्या होगा, एक तो टेबल बन रही होगी यार, एक वो प्रोडक्ट्स की टेबल बन रही होगी कि उसमें अलग अलग चीज़ें कि प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, उनका टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सब चीज़ें होगी। इसका टाइटल देख हो सकता है, डिस्क्रिप्शन हो सकता है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइस हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो क्या करना है यार एट द एंड ऑफ द डे, मेरे को एक तरीके से ये स्कीमा को इससे मैप भी तो करना है ना कि यार एक पर्टिकुलर यूज़र ने कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदा है, उसके बाद जाके तुम क्या आगे चीज़ें हो रही होगी ना कि यार इसने पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदा है, इसको उस कार्ट में डालना है, इस कार्ट के बाद में उसके ऑर्डर्स में डालना है, पूरी पेमेंट वगैरह वहाँ से दिखनी है। ऐसे करके बहुत सारे स्कीमा हमारे डिज़ाइन हो रहे होते हैं, कार्ट के लिए अलग हो रहा होगा, ऑर्डर्स के लिए अलग हो रहा होगा, उसके बाद पेमेंट के टाइम एक अलग हो रहा होगा, ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद एक अलग हो रहा होगा, रिफंड के लिए अलग हो रहा होगा, रिटर्न के लिए अलग हो रहा होगा, फिर उसके बाद अलग अलग यूज़र हो सकते हैं। अलग अलग यूज़र कैसे हो सकते हैं कि यार एक पर्टिकुलर अकाउंट अगर आपने बनाया हो, जैसे कि अगर हम नेटफ्लिक्स वगैरह की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर आपकी अलग अलग प्रोफाइल्स होती है, बेसिकली अलग अलग प्रोफाइल्स होती है, तो वो एक चीज़ हो सकती है। तो मतलब बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिकली अलग अलग तरीके की टेबल्स बनती है, हर एक चीज़ की हर एक तरीके की स्कीमा बन रही होती है। ये स्कीमा आपको कब पसंद समझ आएगी, आपको समझ आएगी जब आप इस स्कीमा ऊपर आपने काम किया होगा। स्कीमा आपने बेसिकली जब भी अपना अगर MongoDB वगैरह कोई भी डेटाबेस यूज़ किया हुआ है, वहाँ पर आपने स्कीमा डिज़ाइन करिए, पता होगा कि यार एक स्कीमा होती है, बेसिकली एक टेबल होती है जिसे मैं यूज़ करता हूँ कोई भी चीज़ को कनेक्ट करने से पहले, अगर मेरे को अपने बैकएंड के अंदर अगर उसे यूज़ करना है तो। ठीक है, समझ आ गया। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं यार, वो चीज़ हमारी होती है लो लेवल डिज़ाइन, वो होती है हमारी लो लेवल डिज़ाइन, जो आपसे मोस्टली फ्रेशर के अंदर फ्रेशर से पूछ लिया जाता है कि यार मेरे को ये बता दो कि ये नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स के अंदर मैं बता दो लो लेवल डिज़ाइन इसे कैसे होने वाली है। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगली क्या है, हाई लेवल डिज़ाइन। हाई लेवल डिज़ाइन यार कुछ भी नहीं है हाई लेवल डिज़ाइन। बेसिकली क्या होता है यार, हाई लेवल डिज़ाइन के अंदर जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको थोड़ा बहुत बताया था, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था, हाई लेवल डिज़ाइन के अंदर कुछ नहीं है। अगर मेरा ये यूज़र है, यूज़र अगर आ रहा होगा, ठीक है, अगर मेरा एक यूज़र है, यूज़र आ रहा होगा, अगर उसके बाद वो यूज़र क्या क्या चीज़ करेगा, क्या क्या एंड पॉइंट्स आएंगे उसके, वो सब चीज़ें बेसिक जो देखने की चीज़ होती है, वो एक तरीके का
सिस्टम डिज़ाइन होता है कि यूज़र आया, उसने एक जगह पर पर्टिकुलर अपनी कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करी, वो एक CDN के ऊपर गई, वो CDN के ऊपर से वो API के ऊपर गई, API उसने हिट किया, API को हिट करने के बाद वो पर्टिकुलर जो भी इसकी चीज़ आई थी वो उससे पहले वो लोड बैलेंसर वगैरह में भी जा रही होगी, तो आपको जिस तरीके का भी लोड हो रहा होगा उस तरीके से वो डिवाइड हो रहा होगा, तो वो आगे जाएगी API के थ्रू, एंड जो भी पर्टिकुलर सर्विस होएंगे उसके हिसाब से उसका काम होना स्टार्ट होगा, जो भी है अगर आपकी स्ट्रीमिंग सर्विस है वैसे काम होगा, अगर आपकी पर्टिकुलर कोई वीडियो लाइब्रेरी टाइप की सर्विस है वैसे काम होगा, कोई अलग तरीके का ई कॉमर्स ऐप है तो वैसे इसका काम होगा, चैटिंग एप्लीकेशन अलग काम होगा, तो वो सारा का सारा काम आपका आगे जाके कहीं ना कहीं हो रहा होगा, एंड उसके अंदर अलग तरीके की ऑप्टिमाइजेशन हो रही होगी। तो ये जो जितनी भी ऑप्टिमाइजेशन है, जितना भी काम जो उसमें चल रहा होता है, इसी का एक तरीके से डिज़ाइन जो होता है आपका वो सिस्टम डिज़ाइन हो रहा होता है, एंड काफ़ी ज़्यादा मेरे को तो यार लाइक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में भी और करने में भी, लाइक अगर आपको एक बार इसका मज़ा आ जाए ना, अगर आपको सिस्टम डिज़ाइन पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो आप क्या है ना कि सिस्टम डिज़ाइन एकदम फिर ऐसे नेटफ्लिक्स की तरह बन जाता है कि आप अगर खाना भी खा रहे हैं, आप बैठे हुए भी खाली, तो आपने वैसे एक वीडियो लगा दी सिस्टम डिज़ाइन की कि यार मेरे को नेटफ्लिक्स का लेटेस्ट सिस्टम डिज़ाइन समझना है, और आपने उसको लगा दिया, एंड आप उसके ऊपर डीप डाउन ऐसे जाए जा रहे समझने के लिए कि यार ये इसका सिस्टम डिज़ाइन काम कैसे करता है। अब सिस्टम डिज़ाइन के अंदर क्या होता है, बेसिकली कोई भी वीडियो नहीं कि पूरी तरह से कोई गलत है कोई एकदम सही है, जितने सारे आप ट्यूटोरियल देखेंगे आपको उतनी ज़्यादा चीज़ें पता चलेगी, जितना आर्टिकल्स पढ़ेंगे आपको ज़्यादा चीज़ें पता चलेगी कि यार, क्योंकि क्या है ना हर एक के अंदर एक एच केस आ सकता है, कोई भी एकदम परफेक्ट चीज़ तो बना नहीं पाएगा, हर एक चीज़ में कोई ना कोई एच केस आएगा ही आएगा, तो क्या है उस एच केस को समझने के लिए अगर मैंने मल्टीपल वीडियोस से समझ रखा है, मल्टीपल चीज़ों से कर रखा था, तो मुझे लाइक एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसान पड़ेगी, एंड मैं उसके बाद काफ़ी इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ को कर सकता हूँ, तो वो काफ़ी हद तक होता है। अगर आप उसको लाइक सिर्फ इससे पढ़ेंगे कि यार मेरे को इसको रेज्यूमे के अंदर शो करूँगा, मैं इंटरव्यू के अंदर इसको दिखाऊँगा, तो यार कुछ मज़ा नहीं आने वाला, वो आप बिल्कुल लाइक ख़राब कर देंगे अगर आप इसको सिर्फ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, क्योंकि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ है ही नहीं ऐसा यार, इसको तो लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीज़ है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीज़ है। अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं आई, अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है तो फ़ायदा क्या है, प्रॉब्लम ही नहीं आ रही तो फ़ायदा क्या है, अगर आपको बस आपको रट लिया कि यार इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ सकती है तो इसलिए मैं यूज़ करूँगा इस तरीके से यूज़ करूँगा, फ़ायदा क्या है, इसके बाद वो एक नई प्रॉब्लम पूछ लेगा आपसे, उसके बाद आप फिर से फंस जाएंगे, उसका कुछ फ़ायदा नहीं बैठता। तो सबसे अच्छी बात क्या होगी कि आप खुद प्रोजेक्ट बनाएं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यार प्रोजेक्ट कैसे बनाने हैं, तो आप खुद प्रोजेक्ट बनाएं, आप उससे सीखें, सीखने के बाद उसका आपको जो प्रॉब्लम्स आने वाली है या आ सकती है, या फिर कोई भी अगर आपका सीनियर है आपने उससे पूछा तो वो उसके कुछ एंड पॉइंट्स बता रहा है आपको, तो वो चीज़ें कैसे फिक्स करनी है आप उसके लिए जा सकते हैं, कई सारे यार चैनल है जिसमें सीखने के लिए, कीर्ति पुरस्वानी करके एक चैनल है आप उसको देख सकते हैं, आप पीयूष गर्ग करके काफ़ी अच्छे चैनल है उनको देख सकते हैं, एक मोहन सर का चैनल है वो भी काफ़ी अच्छा है, हरकीरत सिंह एक अगेन, मतलब सारे यार काफ़ी वेल नोन काफ़ी अच्छे यूट्यूबर है, काफ़ी अच्छे टीचर है, एंड सभी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई बेकार पढ़ा रहा है कोई ख़राब पढ़ा रहा है, काफ़ी अच्छे ये सब पढ़ाते हैं, और भी कई सारे फॉरेन यूट्यूबर्स हैं आप उनकी वीडियो देखें। अगेन मैं सबसे अच्छी बात ये कहूँगा कि यार आप इनकी वीडियोज़ देखें, कोलैबोरेटेड वीडियोज़ होती है वो देखें, आप फॉरन यूट्यूबर्स देखें, आप आर्टिकल्स पढ़ें, जितना आप चीज़ें पढ़ सकते हैं इस चीज़ के बारे में उतना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी अच्छी आपकी सिस्टम डिज़ाइन बेसिकली होती है, क्योंकि आपने एक चीज़ पर्टिकुलर यहाँ से सीखी तो आप कहीं और जाकर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, चैटिंग एप्लीकेशन का बेसिकली सिस्टम ऐसा सेम ही रहेगा ना, हल्का फुल्का यूज़ किसके हिसाब से अलग होगा लेकिन बेसिकली चीज़ें तो सेम ही रहेगी ना, तो अगर आपने कोई चीज़ पर्टिकुलर सीखी तो आप उसके बाद जाइए, और कई सारे कोर्सेज भी आते हैं, आप कोर्सेज भी लेना चाहते तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, कोर्सेज यार बेसिकली आपको सिखाने के लिए तो बने हुए तो आप कोर्सेज पढ़ सकते हैं आराम से, कोर्स लीजिए, कोर्स से पढ़िए, एंड या इसी तरीके से आगे मूव फॉरवर्ड करिए। बाकी सिस्टम डिज़ाइन ऐसा नहीं किया, आपसे हमेशा पूछेंगे, मेरे एक दोस्त के इंटरव्यू में पूछा गया था, ऑब्वियसली ये तो नहीं बताऊंगा मैं कि कौन सी कंपनी थी, पर हाँ काफ़ी बड़ी कंपनी थी, काफ़ी ज़्यादा पैसे देती है वो, तो उससे एक बार ये पूछा गया था, एंड उसको नहीं आता था, उससे नेटफ्लिक्स का पूछा गया था कि नेटफ्लिक्स सिस्टम डिज़ाइन करके देखा, उनका राउंड 2 या राउंड 3 ही था आई गेस, तो हाँ अगर आपको आता होगा तो काफ़ी फ़ायदा होगा, नहीं आता होगा तो भी आई थिंक क्या पता आपसे ना पूछे, नहीं पूछे तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ आना आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है, तो मैं ये रिकमेंड जरूर करूँगा कि आप सीख के जरूर आए। बाकी जाने से पहले अगर मैं आपसे बात करूँ तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर ट्यूटोरियल चाहिए जिसके अंदर हम बेसिकली कोई पर्टिकुलर ऐप बनाएं, ऐप बनाने के बाद उसके अंदर हम उसकी सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर बात करें, अलग अलग चीज़ों के ऊपर भी बात करें, या ऐप हो सकता है वेबसाइट हो सकता है, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं अपना आइडिया। मैं बेसिकली कहूँगा यार मेरे को क्लोन ऐप ऐसे बनाने का मन नहीं करेगा, पर हाँ अगर अपने कोई आइडिया दे दीजिए कि यार मेरे को एक आइडिया है कि हम ऐसा कुछ बना के देखते, एक कैमरा ऐप बनाते या फिर एक न्यूज़ ऐप बनाते, ऐसा कुछ कुछ बनाते इसमें ये फीचर होते, तो आप उसको पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ेंगे कमेंट से, एंड उसके बाद उसको बनाने की कोशिश करेंगे, और आपका भी अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट उसमें डालने का मर्जी है, आपको डालने का ईमेल वगैरह आप डालना चाहते हो डाल सकते हैं, इंस्टा आईडी वगैरह आप डालना चाहते हो डाल सकते हैं, एंड उसके बाद जो भी पर्टिकुलर कमेंट होगा जिसमें सबसे ज़्यादा लाइक्स वगैरह होंगे, सबसे ज़्यादा लोग उसे बनाना चाहते होंगे, उसे मैं खुद रीच आउट करूँगा, एंड उसके बाद हम एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर क्या क्या फीचर हम डाल सकते हैं क्या नहीं डाल सकते हैं, एंड उसके बाद हम इसे बना के सबके सामने देखेंगे कैसे बनता है कैसे आता है, तो एक अच्छी सी लर्निंग होने वाली है, मज़ा आएगा।
तो बता देना किस तरीके की आपको चीज़ बनाने का मन है, एंड क्या आप टेक्नोलॉजी में अभी कोई पर्टिकुलर चीज़ बना रहे हो तो किस तरीके से बना रहे हैं, एंड आप ऑब्वियसली यार कोलैबोरेट करें, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखिए फिर जाकर, काफ़ी सारे यूट्यूब पर चीज़ें हैं, काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, ऑब्वियसली जाके देखें समझिए, एंड बस इतना ही।